हाय गाइस, वेलकम टू स्पिलिंग द फैक्ट। सो आजकल राखी सावंत बहुत ज़्यादा चल रही है। आपको भी पता होगा कि वो एक लोकप्रिय डांसर, बॉलीवुड अभिनेत्री, मशहूर मॉडल हैं। राखी सावंत ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा राखी सावंत कन्नड़, मराठी, ओड़िया, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी है। अभिनय की दुनिया के अलावा राखी सावंत ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है। जी हाँ, बिल्कुल, पॉलिटिक्स में भी आई हैं वो। साल 2014 में राखी सावंत ने अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय आम पार्टी बनाई और लोकसभा चुनाव लड़ा। लेकिन क्या हुआ कि उनकी पार्टी को चुनाव में पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। राखी सावंत को कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। वो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर बहुत सुर्खियों में रहती हैं। राखी सावंत के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सुर्खियों में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। राखी सावंत का नाम आज भले ही बहुत ज्यादा है, वो एक जाना माना चेहरा है, लेकिन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए राखी सावंत ने काफी कोशिश की है। राखी सावंत का बचपन बेहद ही तंगहाली में गुजरा है। उन्होंने अपनी जीवन के शुरुआती समय में काफी संघर्ष किया है। तो चलिए जानते हैं आज हम उनके बारे में। उनका जन्म 25 नवंबर 1978 यानी कि 1978 में हुआ था। राखी सावंत के पिता का नाम आनंद सावंत है। आनंद सावंत वर्ली पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल थे। राखी सावंत की माता का नाम जया सावंत है। जया सावंत फिल्म निर्देशक राकेश सावंत और पूर्व अभिनेत्री उषा सावंत की बहन है। तो मतलब इन लोगों का जो बैकग्राउंड था वो फिल्मी है, मौसी की तरफ से उसकी। राखी सावंत ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के विले पार्ले में स्थित गोकिलाबाई हाई स्कूल से पूरी की। उसके बाद राखी सावंत ने मीठीबाई कॉलेज से अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। आपको ऐसा लगता होगा कि राखी सावंत इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्यों करती है या फिर इतना ज्यादा वो सब कुछ क्यों करती है ड्रामा, क्योंकि उन्होंने बचपन में भी ये सब कुछ देखा हुआ है। तंगहाली में उनका जीवन गुजरा है, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसी चक्कर में उन्हें 10 साल की उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। बहुत कम लोग जानते हैं कि राखी सावंत ने अनिल अंबानी और टीना अंबानी की शादी में खाना सर्व करने का भी काम किया, और राखी सावंत को इस काम के लिए माना जाता है कि 50 रुपए मिले थे। 11 साल की उम्र में राखी सावंत एक इंडिया इवेंट में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ काफी नाराज हो गई। उन्होंने उसको मारा, उनके बाल काट दिए। राखी सावंत को बहुत दुख पहुंचा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, जब मुझे अगर मॉडलिंग में ही अपना करियर परस्यू करना है तो इसके लिए उन्होंने सोच लिया कि भाई चाहे मुझे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो मैं चले जाऊंगी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, अब फिल्म अग्निचक्कर से की थी उन्होंने शुरुआत। इसके बाद राखी सावंत ने जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा बहती है, ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। राखी सावंत ने साल 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने में एक आइटम सॉन्ग किया था, और आइटम सॉन्ग के बाद से राखी सावंत काफी ज्यादा फेमस होने लगी। राखी सावंत ने साल 2005 में वीडियो एल्बम परदेसिया में भी काम किया। राखी सावंत ने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी सुपर गर्ल नाम से एक शो में कदम रखा था। इसके बाद राखी सावंत ने अपना शो राखी का स्वयंवर लॉन्च किया। इस शो में राखी सावंत ने कनाडा के एक प्रतिभागी इलेश परुजनवाला को अपने पति के रूप में चुना। कुछ महीने तक तो दोनों साथ रहे, लेकिन फिर अलग हो गए। उन्होंने राखी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पैसे के लिए इलेश परुजनवाला से मिली थी। इसके अलावा राखी सावंत बिग बॉस के पहले सीजन में भी नजर आ चुकी हैं। वो इस शो के मैं आखिरी तक रही थी, लेकिन मैं शो जीत नहीं पाई। यहीं नहीं, आगे चलकर राखी सावंत ने बिग बॉस 14वें और 15वें सीजन में भी हिस्सा लिया। आपको पता है हर एक सीजन में राखी सावंत आ ही जाती हैं। राखी सावंत जो हैं वो अक्सर विवादों में रहती है। अपने बयानों से मीडिया को कैसे सुर्खियां बटोरनी है राखी सावंत को अच्छे तरीके से आता है। राखी सावंत पहली बार विवादों में तब आई जब एक पार्टी में मीका सिंह ने सबके सामने उन्हें किस कर दिया था। इसके बाद राखी सावंत ने काफी हंगामा कर दिया, और एक बार द ग्रेट खली की कॉन्टिनेंटल रेस्टलिंग एंटरटेनमेंट प्रमोशन के दौरान राखी सावंत एक अमेरिकी महिला पहलवान से जा भिड़ी। इस दौरान महिला पहलवान ने राखी सावंत को उठाकर पीठ के बल पटक दिया। इससे राखी सावंत वहीं बेहोश हो गई और नजदीकी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। इसके अलावा ऋषि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी करने के लिए राखी सावंत को 2017 में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। राखी सावंत की फिल्में जो थी, मैंने आपको बताया अभी, अग्निचक्रा, दिल का सौदा, चुड़ैल नंबर 1, कुरुक्षेत्र, जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, एहसास, द फीलिंग, 16th नंदिनी, बदमाश नंबर 1, और गौतम गोविंदा, ना जानो तुम ना जाने हम, दम, चुरा लिया, और भी बहुत सारे हैं। राखी सावंत ने अपने पति का नाम पहले तो रितेश बताया था,
राखी सावंत बिग बॉस के 15वें सीजन में अपने पति रितेश के साथ पहुंची। बिग बॉस में आने अपने से पहले राखी ने पति रितेश को कभी भी मीडिया के सामने नहीं लाया, तो अचानक से ही वो बिग बॉस में आया, मीडिया के सामने आया। और उसके बाद जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, 2-4 महीने इनका कॉन्ट्रोवर्सी चला और पता चला कि रितेश की दूसरी वाइफ है और राखी ने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद राखी ने दूसरी शादी की या नहीं की कुछ पता नहीं है, क्योंकि राखी सावंत कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन है। देखिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसकी वजह से, मतलब उससे पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में वही काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरा पास्ट मुझे वापस से रिपीट ना करे। उसने बचपन में भी ये सब कुछ देखा हुआ था, तो शायद इसीलिए वो अभी भी कॉन्ट्रोवर्सी में रहना चाहती है। वो सिर्फ इसलिए करती है कि भाई मैं लाइमलाइट में रहूं और मुझे पैसा मिलता रहे, और तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, वो जितने बड़े बड़े एलिगेशंस लड़कों के ऊपर लगा देती है या लड़के उसके ऊपर लगा देते हैं, जो भी वो करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत। प्रूफ तो हम क्या ही साबित कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है अपनी तरफ से। वो भी बयान दे रहा है आदिल, और राखी भी दे रही है, बट हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन नहीं है। हाँ, ये गलत है कि आप किसी लड़के के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं या उन्हें जेल पहुंचाते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन राखी ऐसा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी में रहने के लिए कर रही है। अब जानते हैं हम राखी सावंत की नेटवर्थ या राखी सावंत की संपत्ति कितनी है। कहा जाता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत के पास कुल 37 करोड़ की संपत्ति है। जी हाँ, 37 करोड़। राखी के पास मुंबई में ही 2 बंगले हैं जिनकी कीमत करोड़ों में आती है। वही उनके पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं जो लाखों की कीमत रखती हैं। राखी की कमाई की बात करें तो मुख्य रूप से वो स्टेज शो करती हैं, इसके साथ ही वो कई ब्रांड्स के साथ भी जुड़ी हुई है, तो वहां से भी उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और आपको पता ही है कि अगर आपको बॉलीवुड में रहता है या लाइमलाइट में रहना है तो आपको सुर्खियों में बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए राखी, हाँ पहले राखी बहुत एंटरटेनिंग होती थी और अभी बहुत अनोइंग होती जा रही है। आपका इसमें क्या कहना है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।